करो दिखाकर समस्त गुजरात ब्रह्म समाज का प्रभारी हूँ दक्षिण गुजरात का। मेरे साथ मेरे हमारे समाज के महामंत्री श्री गिरीश भाई जी और सूरत के प्रे उनके साथी और समाज के सब कनिष्ठ मित्रों ने मिलकर आज जो आयोजन किया है, जब रामलला अपने 22 तारीख को पधारने जा रहे हैं, 496 ईयर का जो संघर्ष चल रहा है, मगर मैं उसमें एक चीज देखता हूँ, हम राम को जानते हैं संपूर्ण एक मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में जो था वो आज उनके पश्चात भी 500 वर्ष के संघर्ष काल के बाद नियति को साथ में लेके कायदे कानून को साथ में लेके भगवान राम जो अपनी राजधानी थी अयोध्या, जो उनकी मातृभूमि थी और जो अयोध्या के राजा दशरथ का जैसे महल था उसमें जैसे विराजमान थे, ऐसे ही भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तभी आज का जो एक प्रोग्राम है सूरत वासियों के लिए ब्रह्म समाज के लिए एक अपनी भावना को प्रकट करना, राम के प्रति श्रद्धा, अपने आदर्श के प्रति, जीवन के आदर्श के प्रति श्रद्धा का एक उमंग का दरिया यहाँ लहरा रहा है। और जैसे जैसे अपने गिरीश भाई ने जैसे बताया कि एक माहौल ऐसा बन रहा है कि 22 तारीख को अभी लोग सोने नहीं वाले, ऐसा मुझे लगता है। कितनी प्रतीक्षा, कितने सालों की प्रतीक्षा गिरी अपने जीवन में सामने की तरह ये कभी एक अनुभव में देख रहा था। आज मेरे पीछे अभी जो चल रहा था सबरी का और राम का जो मिलन हो रहा था, मेरे पीछे बहने रो रही थी गीत के साथ में। ये भावनाएं कितनी जड़ से जुड़ी हुई है और मुझे लगता है भारत का हर नागरिक, हर एक हिंदू, हर एक नागरिक सब मिलकर भगवान राम की प्रतीक्षा में है। उनका आह्वान करेंगे, उनकी श्रद्धा से उनकी अर्चना करेंगे, पूजन करेंगे और उनको स्थापित करेंगे अयोध्या में भी और अपने दिल में भी। जय श्री राम।